नहा धोकर तैयार हो गए और यात्रा पर जाने की तैयारी है। आज हम जा रहे हैं देवताओं पे, तो सभी फैमिली जाएगी वहाँ पर और भंडारा होगा, और दूर दूर के भंडारे तो खैर हमने छोड़े ही नहीं है, ये तो अपने देवताओं का भंडारा है। तो आप सभी चलिए साथ में, मज़ा आएगा। तो गाइस, साल में एक बार पूरे परिवार के साथ, जितने भी हमारे चाचा ताऊ बुआ वगैरह जो भी हैं, सब सभी को साथ लेकर एक बार हम अपने देवताओं पे जाते हैं और वहाँ पे भंडारा करते हैं। और इतना मज़ा आता है, खूबसूरती इतनी अच्छी है वहाँ की। अब चलेंगे अभी साथ में तो देखना, चारों तरफ बाग है आम के। और वहाँ पर इस सीज़न में जाने का ये फ़ायदा है कि एक तो गर्मी होती है, ट्यूबवेल है वहाँ पर, और डाल के पके हुए आम होते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और झोली भर भर के यार वहाँ से ख़रीद कर लेके आते हैं हमारे सारे परिवार वाले। तो फाइनली दोस्तों, एक घंटे के ट्रैवल के बाद ट्रैफिक बहुत कम था क्योंकि संडे का टाइम था और लॉकडाउन था, हम जो कि अपने देवता पर पहुँच चुके हैं। और आप अभी देखेंगे जब ये मुड़ेगी तो कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ बाग ही बाग, मस्त एकदम। मतलब ये समझिए कि तीन टेम्पो थे, पांच छह कार थी और जो कि हमारे साथ साथ चले थे घर से, क्योंकि सबको इकट्ठा होकर चलने में बहुत मज़ा आता है यार। फैमिली के साथ जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए या फिर कुछ भी एक ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ चीज़ों को, और बहुत ही मज़ेदार वो सीन होता है। वो हमारे देवताओं का मंदिर है और आप देखिए भंडारे का पूरा सामान यहाँ पर ले आए हैं। तीन चार टेम्पो हैं, एक टेम्पो पानी भरने के लिए गया हुआ है अभी, और बाकी कार हैं और हमारे परिवार के बहुत सारे प्रियजन हैं। तो देवता पर पूजा करने की तैयारी चालू हो चुकी है, पूजा करने के बाद मिलते हैं बहुत ही जल्द। देवता के दर्शन तो हो गए हैं भाई, अब जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। काली माता है यहाँ पर, तो उनके भी दर्शन कर लिए जाएं। एक छोटा सा काली माता का यहाँ पर मंदिर है जो गांव के बिल्कुल बाहर है, चावंड टाइप से आप मान सकते हैं इसे, जो गांव की प्रोडक्शन करता है। काली माता के दर्शन हो गए हैं दोस्तों, और अब शायद भंडारे का प्रोग्राम है या फिर देखते हैं कि ट्वेल चल रही है, नहाया जाएगा या तो सबसे पहले, और उसके बाद भंडारा या भंडारा करके नहाएंगे। चलती ट्वेल के सुख। नहाने के बाद बहुत भीड़, भूख लगी हुई थी यार बहुत ज़बरदस्त, तो खाने के टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई बिल्कुल भी, पूरा भंडारा निमट गया है फिलहाल के लिए, खा चुके हैं सभी। और अभी क्या है कि यहाँ पर आम खरीदने का प्रोसेस चालू हो चुका है, जैसा कि मैंने आपसे सुबह शुरू में बताया था कि यहाँ के आम बहुत टेस्टी होते हैं। तो अभी 100-150 किलो के आसपास यहाँ से आम खरीदे जाएंगे जो सभी चाचा ताऊ परिवार में बांटे जाएंगे। तो समय निकालिए परिवार के साथ, ऐसी ट्रिप करने में बहुत मज़ा आता है जहाँ पर आप पूरे परिवार के साथ पिकनिक मना सकें। ठीक है तो भाई मित्रों, आम चलते हैं, सफर रेडी है, दोस्त रेडी है, भाई रेडी है, ये क्या है, यो यो बंटा ही रहे पर। तो सारी चीज़ रेडी है, यो 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 यो।